So first of all, guys, you can see that this is an official Twitter handle account of Income Tax India, and 16 minutes ago, on further consideration of genuine difficulties, important points are, guys, GST or income tax ka ek relevant point, late fees ka to video puri dekhna. On further consideration of genuine difficulties being faced by taxpayer due to COVID, CBDT ne further extend kar diya due date for furnishing of belated and revised ITR for assessment year 1920. मतलब अगर कोई financial year 18-19 की ITR आपने file नहीं की थी तो आप कर सकते हो 30 नवंबर तक. अगर आपने file की थी और उसमें कोई गलती है तो उसे आप revise भी कर सकते हो 30 नवंबर तक. But financial year 18-19 assessment year 1920 की ITR की late fees आपको लगेगी. मतलब अगर आपके ऊपर ITR फाइल करना मैंडेटरी है और आपने अभी तक फाइल नहीं की थी, बट अगर आप 30 नवंबर तक करोगे तो लेट फीस आपको लगेगी. तो बेनिफिट क्या हुआ डेट एक्सटेंड का? बेनिफिट ये हुआ, अगर ये डेट एक्सटेंड नहीं होती तो इसके बाद आप ITR फाइल कर ही नहीं सकते थे. वो तभी फाइल कर सकते आप जब आपको कोई नोटिस आता, अदरवाइज फाइलिंग करना पॉसिबल नहीं था. अब आप उसको फाइल कर पाओगे बट विद लेट फीस, अगर आपकी फाइलिंग मैंडेटरी थी. अब जीएसटी में क्या होता है, जो अभी अभी आप सुबह मैंने वीडियो डिस्कस की वो आप देख लेना, रिसेंट वीडियो है, उसको आप फाइल कर सकते हो 31 अक्टूबर तक. एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट, उसमें आपको लेट फीस भी माफ की है. मतलब आप 30 सितंबर से 31 अक्टूबर हुई तो लेट फीस भी नहीं लगेगी. ये डिफरेंस है. और आप ऑर्डर देख सकते हो 1192 30 सितंबर का. और एक बार मैं क्लिक करके दिखा देता हूं यहां पे, ये आप चेक कर लो कि असेसमेंट ईयर 1920 मतलब अपना फाइनेंशियल ईयर 1819 और 30 सितंबर से 30 नवंबर डेट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, सीबीडीटी का ऑर्डर है. और गाइज एनुअल रिटर्न की नोटिफिकेशन भी आ गई है, जल्दी मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगी. तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ भी शेयर करना. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.